पहली बार नहीं है कि ये बातें हमने चुनाव आयोग के सामने रखी। अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों के की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो हमने ये फैसला किया है, जैसे दिग्विजय ने बताया शरद जी की सदस्यता से, कि हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास और उनको कहेंगे कि देखिए ये बातें हम आपसे कई सालों से कर रहे हैं और ये हम आखिरी बार आपसे पूछने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं ईवीएम से। देश में आगामी समय में कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी निकट है। लेकिन चुनावों से पहले जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है वो तस्वीर ये जाहिर तौर पर बयां करती है कि क्या अब ईवीएम से चुनाव बंद हो जाएगा और क्या चुनाव आयोग इस बात को मान रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जाने माने वकील और समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता कपिल सिब्बल, जिन्होंने एक बड़ा खुलासा ईवीएम को लेकर कर दिया। उन्होंने कहा ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है और ईवीएम में गड़बड़ियाँ आज से नहीं हो रही, बहुत पुराने तरीके से हो रही हैं। और जबकि चुनाव आयोग को इस बारे में बताया गया लेकिन फिर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और विपक्ष को कहीं ना कहीं दबाया कुचला जा रहा है क्योंकि विपक्ष कमजोर है। कपिल सिब्बल क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। पहली बार नहीं है कि ये बातें हमने चुनाव आयोग के सामने रखी। अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों के की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो हमने ये फैसला किया है, जैसे दिग्विजय ने बताया शरद जी की सदस्यता से, कि हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास और उनको कहेंगे कि देखिए ये बातें हम आपसे कई सालों से कर रहे हैं और ये हम आखिरी बार आपसे पूछने आए हैं कि आप इसके बारे में क्या करोगे और जो सवाल हमने उठाए हैं उनका आप लिखित रूप में जवाब दीजिए ताकि ये संदेह एक बार खत्म हो जाए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बने, जो तस्वीर इस वक्त की बनी है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताती है, वो ये साफ तौर पर बताती है कि क्या आने वाले वक्त में ईवीएम से चुनाव पूरी तरीके से देश में बैन हो जाएंगे। और अगर ईवीएम से चुनाव देश में बैन हो जाते हैं तो क्या बहुत बड़ा जो नुकसान है वो बीजेपी को होगा, या फिर बैलेट पेपर से चुनाव शुरू हो जाते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से जो कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो विपक्ष की जीत होगी क्योंकि सही तरीके से होगा। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है तो बैलेट पेपर में भी तो गड़बड़ियां हो सकती हैं, और कैसे मान लिया जाए कि ईवीएम को अगर बंद कर दिया जाए, बैलेट पेपर से शुरुआत की जाए तो बैलेट पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जनता को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।